चौदहवें का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। Assalamualaikum everyone, मुझे कहते हैं जिया नुमान और मेरे साथ मौजूद हैं नुमान लशारी। नुमान लशारी, और आज K2 टेलीविजन की 14वीं सालगिरह के मौके पे हम आप सबको कहते हैं खुशामदीद और बहुत ढेरों मुबारकबाद जनाब। K2 टेलीविजन की 14वीं सालगिरह के मौके पे नुमान लशारी क्या कहेंगे? यार ये 14 इयर्स जी आप कैसे गुजरे, मैं आप यकीन करें कि वाकई में एकदम से गुजरे हैं। और इसमें ये जो 14 इयर्स थे K2 के, इसमें बड़े उतार चढ़ाव रहे। डेफिनेटली। और K2 ने और हमने बहुत कुछ सीखा, लर्न किया, ग्रो किया, एक्सपेरिमेंट किया। दिस जॉय राइड वाज फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड फुल ऑफ लव दैट वी हैव गॉटन फ्रॉम आवर व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत मज़ेदार मेरा तो एक्सपीरियंस रहा 14 साल का। डेफिनेटली। और K2 हमारे लिए एक बेबी की तरह है। 14 साल का हो गया आज ये बेबी, 9 साल माशाल्लाह मुझे इस चैनल में हो गए, अगले साल 10 हो जाएंगे, पूरा डेकेड हो जाएगा। सो आज बहुत एक्साइटमेंट है जनाब, बहुत सारी ढेरों गपशप होनी है, गेम्स होनी है, सेलिब्रेशन होनी है। और अभी तो वैसे ही सेलिब्रेशन फेस्टिविटीज़ का सिलसिला चल रहा है, आपको पता है नुमान, ईद गुजरी है और अभी तक वो वाले जो खाने हैं, वो वाले जो इन्जॉयमेंट्स हैं, जो गेट टुगेदर्स हैं, स्टिल ऑन है। लेकिन आज सालगिरह भी है और मैं चाहती हूँ कि आज हम लंबी बातें ना करें, तमहीदें ना बांधें, क्योंकि सालगिरह को कैसे इन्जॉय किया जाता है, गेम्स खेल के, हल्ला गुल्ला करके। तो आज उसी तरह से हल्ला गुल्ला होने वाला है। और हमारे पास हैं दो टीम्स जिसमें हमेशा की तरह इन्होंने चीटिंग करके और अपनी वो मनवा के और जो है ना वो सारे सीनियर लोग अपने पास रख लिए हैं, जो पक्के मंजे हुए लोग हैं। देखें बात सुने, हाँ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये तो सुना होगा आपने। आप बुला लें जरा, मैं फिर अभी अब आपको जब क्वांटिटी दिखाऊंगा ना, और माशाल्लाह जब उनकी क्वालिटी दिखाऊंगा तो फिर आप खुद भी हैरान होंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमारे AVD चैनल के तमाम लोग, तमाम फनकार बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है जनाब। ए टीम जो है, टीम ए और आपकी टीम बी, उसमें भी मैंने आपको साइड पर रखा है, बी आपको। अच्छा देखिए, मतलब टीम ए इधर भी, ये पहले, ओके चलिए ठीक है। टीम ए में मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबके चेहरों से आप बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन हम थोड़ा आ जाते हैं इधर अपनी अपनी जगहों पे, और मैं चाहती हूँ हमारी टीम जो है वो आ जाए और भरपूर सा कोई मजेदार सा म्यूजिक होना चाहिए शामिल भाई, जिसमें मैं चाहती हूँ मेरी टीम ए स्टेज पे तशरीफ ले आए। आ जाए जी। क्या बात है, वाह 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 भाई, वाह। मैंने क्या कहा था आपको, ये तो बहुत ही मामला जो है ये गंभीर होता जा रहा है। ओ हो, वो कहते हैं ना द लास्ट वन द हेवी। नो, लाइया किथे थे, बधाइयां किथे, इथे ही लाइया थे, इथे ही बधाइयां। अच्छा तो ये आपकी टीम, ये हमारी टीम। आप लोग माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल खुशामदीद। माशाल्लाह क्या बात है आपकी, आपा निदा आसिम भाई, कैसे भाई आप सब, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मैं चाहूंगी आप बुला लें। चले जी टीम बी जो कि मेरी टीम है और जबरदस्त किस्म की टीम है, गो के ये यंग है बट इनके हौसले जो है वो बड़े मैच्योर, मतलब एक सेकंड, यंग कह के आपने इधर वालों को क्या कहा? अरे मैं मतलब नहीं, वो तो बहुत ही यंग है ना, एक्स्ट्रा यंग है। अच्छा छोटे, लेकिन छोटे, हाँ वो थोड़े से इनसे बड़े हैं, ठीक है। सो जी टीम बी आ जाए जी स्टेज पे। वाह जी वाह, आए जी आए जी। अच्छा इसमें म्यूजिक सही चलाया आपने, जबरदस्त जी। हमारी टीम वैसे अभी ये मुख्तसर सी है, लेकिन आपकी टीम का एक जो मेंबर है वो अभी भी मेरे ख्याल से आना बाकी है, जो वो अभी एक मेंबर अभी आएगा ना, जब वो, मैं तो कहती हूँ फिर आप भी आ गया, जब ये तो एक मेंबर अभी आएगा ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो एक मेंबर जो है ना वो फिर तबाहियां मचा देगा, भारी, वो काफी ज्यादा भारी, वैसे वेट में भी ज्यादा भारी है, वेट में इतना भारी नहीं है। अच्छा मैं चाहती हूँ बैठ जाए, आ जाए अपनी सीट पे, क्या कहते हैं, तशरीफ रखिए।
ताकि हम शो का करें बाकायदा आगाज़ ना, इनसे अब वो वाला नहीं रही रस्में जो हम हमेशा करते हैं, जी हमारे साथ हैं महजबीन निदा, सब जानते हैं माशाल्लाह जिस तरह से रमज़ान में खूबसूरत ट्रांसमिशन की है उसके लिए मुबारकबाद दूंगी नुमान आप और महजबीन माशाल्लाह वंडरफुल, और जितने भी शुमाइला हमारे पास हैं, शुमाइला जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे रमज़ान ट्रांसमिशन में माशाल्लाह दे वर डूइंग अमेजिंग जॉब। इससे पहले कि हम शो का बाकायदा आगाज़ करें, आपने बड़ा शुरू में बोला चीटर चीटर और मैंने चीटिंग की और अच्छे लोग ले लिए, लेकिन आपको पता है आपने क्या किया, अपनी टीम के सामने आपने मिठाइयाँ भी रखी, बिस्किट भी रखी, मेरी टीम के आगे कुछ रखा ही नहीं था, ये तो मैंने अभी रखवाया है। वैसे बड़े मतलब अफसोस की बात है, टीम लीड है और मेरे को एंकर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत फायदे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बड़े अफसोस की बात है कि आपने एक ट्रे और वहाँ पे रखवा दी है, वैसे हमारी ठीक थी हमारी मतलब वहाँ तीन तीन और यहाँ पे एक भी आपको हो रहा है। जनाब आज सेलिब्रेशन का मौका है, सालगिरह का मौका है, K2 टेलीविजन की 14वीं सालगिरह है, बहुत सारी बातें करनी है, गेम्स खेलनी है, लेकिन एक मसला है, मोहब्बत का दी एंड होने वाला है नुमान, मोहब्बत का दी एंड अभी फिलहाल। यार मुझे ये कॉल आ रही है, एक मिनट मुझे देख लेने दो कौन है कॉल पे, कौन है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आरिफ काई साहब, शो स्टार्ट हो चुका है सर, और आप कहाँ हैं? आपको तो यहाँ पे होना चाहिए था सर। सर आप मेरी टीम में होंगे सर, जल्दी प्लीज। काई साहब हेलो 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 हाँ जी जी जी, फोन पे शिश क्यों कर रहे हैं? दो कप चाय। अच्छा हेलो वो आपने नहीं लाया यार, सर आप आए ना प्लीज। किसके साथ बात कर रहा था तू? वैसे ही झूठ मूड का यार, ऐसे अस्सलाम वालेकुम कैसे? आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, 14वीं सालगिरह, ईद मुबारक आपको भी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अरे थैंक यू सर, माशाल्लाह, आई विश आई कुड से द सेम। Am I looking handsome? Yes, handsome, handsome. Beautiful. Right. Handsome and beautiful. आपको गुज़श्ता ईद मुबारक और 14वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक। सर आप हमारी टीम में हैं। माजबीन बैठी हुई हैं और आप लोग वैसे ही बैठे हुए हैं, मतलब ताली हो जाता है, माजबीन बैठी हैं। सलामकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और K2 की 14वीं सालगिरह मुबारक हो। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? माशा, मैं देख रहा हूँ बहुत खुश हैं। यस, बहुत खुश हैं। तो अच्छा है, आज सेलिब्रेशन का मौका है। हम प्रिटेंड करते हैं ऐसे, अब जैसे ये कर रहा था मैंने देखा झूठ मूठ का लगा हुआ है। अब आरिफ काजी के नाम से नसरीन का नंबर ना मेरे पास है, नसरीन पी लो। सलामकुम, असलामकुम, ऐसा वालेकुम सलाम। उम्रा की है जी, बहुत बहुत उम्रा मुबारक, माशाल्लाह, बहुत बहुत उम्रा मुबारक करे, कबूल करे, बस कर रोड़ा छोड़। वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं इजाजत है जी, मिल लूं जल्दी सिद्दीक, क्या ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम शमैला, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? मैं वेजी नहीं 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 तुम आप बैठे, बल्कि अब आप कोई मोहब्बत का दी एंड, अब वो एक तो आरिफ साहब हमेशा से होता है ना, बीच में आ जाते हैं। देखिए मैं कहने लगी थी मोहब्बत का दी एंड होने वाला है सर, मोहब्बत का दी एंड, कब कब पता कैसे कैसे मैं दिखाती हूँ आपको। नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुने, हमारा तो एंड हो चुका, कब का जबरदस्त, क्या बात है सर, आप आ गए, देश से आए लेकिन आ गए। जी जी बात सुन जी। अच्छा मेरे बुलाने के अंदाज पे तू बिल्कुल आदि है, वो गरीब। अच्छा तो ये लोफरों वाले स्टाइल से मैंने बुलाया, अंडरस्टैंडिंग आपकी कब हुई है इस तरह की? मुझे रोक तू कि ऐसे नहीं बुलाते। नहीं आपको मैं रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको रोक लिया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। ऊपर किधर देख रहा है तू? मैं इसलिए तो देख रहा हूँ कि अगर मैंने आपको रोक लिया, आप करें ये हरकतें, करें और करें ताकि हाईलाइट हो। सर आप बहुत लड़कियां छेड़ते हैं। सर वैसे एक बात बताऊं, अच्छा लड़कियां छेड़ने वाला मैं छेड़ता हूँ? छेड़ती नहीं है ये तो आपकी, फिर पीटती है, फेलियर है, फेलियर है, मुसीबत है। अभी मेरा एक दोस्त रहता है जिसको आप लोगों ने बुलाना है, ओके पूरा महीना उससे खा के अभी कह रहा ओके। अरे याद है तेरा अलग से प्लेटर आता था? ओह माय गॉड, अच्छा वो याद है तुझे? अलग से तेरा प्लेटर आता था, अलग से तेरी अफ्तारी आती थी, हालांकि आपकी भी आती थी, नजर आपके मेरे प्लेटर पे थी। वो अच्छा होता था ना, वो पेड प्लेटर था। अहमद शेर को कैसे भूल सकते हो? नहीं नहीं नहीं, अहमद शेर क्या बात है, बुलाएगा। वालेकुम सलाम अहमद, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, 14वीं सालगिरह मुबारक, 14वीं सालगिरह मुबारक, आ जाएं, खुशामदीद कहेंगे अहमद भाई आपको। अच्छा अहमद भाई देखे पूरे रमजान हमें खिला के मोटा कर दिए, खुद वैसे के वैसे हैं। अच्छा बातें बहुत सारी होनी है, कहाँ हुई है अभी तो शुरू ही नहीं हुई, अभी शुरू ही नहीं हुई, इसलिए मैं कह रही हूँ चुप हो जाएं, गेम्स भी करनी है, वक्त को हमने अपने मद्देनजर रखना है, लेकिन एक मसला हो गया। ठीक है, क्या मसला हुआ?
मोहब्बत का दी एंड होने वाला है। मोहब्बत का दी एंड, मुझे भी नहीं पता क्यों और कैसे, लेकिन मेरे ख्याल से देखते हैं कैसे होने वाला है। चलें देखते हैं। नहीं नहीं हाँ ठीक है ना, ना मेरा भाई तू टेंशन ही ना ले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं मैं इस टाइम ये पार्क में जो लोकेशन मुझे भेजी थी मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। बहुत सारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जबरदस्त पौधे लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, पौधे बोल भी रहे हैं। जानी तू टेंशन ना ले जानी, देख लेकिन एक चीज़ है, भाई की इज्जत अब तेरे USB के अंदर है, तू समझ रहा है? नहीं ओ भाई है ना जो गाने देते सन ओ वाली, क्या हो गया भाई? हाँ नहीं यार क्या हो गया, अगर मैंने फेक आईडी से फंसा लिया है कुड़ी, क्या हो गया तुझे यार, ऐसी क्यों बात करे? यानी टेंशन ना ले। हाँ ठीक है ना, अगर उसकी आईडी का नाम जिद्दी लड़की तो मेरी भी बादर लड़का है फिर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है यार, करना पड़ता है भाईजान, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, शोधियाँ शोखियाँ मारनी पड़ती हैं जी। हाँ क्या हो गया, मैंने लिख दिया अपने साथ कंपोजर प्लस सिंगर प्लस लिरिसिस्ट। हाँ ठीक है, बस मैं तुझे जैसे ही मिस कॉल इधर से मैंने बंद करनी है ना, जैसे ही उन्होंने आना है आपने क्या करना ना भाईजान, ये स्पीकर हमने पौधों में छुपाया इसमें गाने प्ले कर देंगे। समझ आ गई? समझ आ गई, चल ठीक है फिर। आशा बश बुरा मोहब्बत का दी एंड हो सकता है? नहीं हो सकता, यूएसबी वाला दोस्त इसके साथ हाथ कर गया, हाथ कर गया, और मुझे लगता है वो जो एंड हुआ है ना हाँ। वो लेके भाग गया है। हाँ। यस ये होता है दोस्तों में भरोसा नहीं करना चाहिए ऐसे मौकों पे, दोस्त आपके साथ। और देखें देखें जिद्दी कुड़ी और ये जो पापा की परी टाइप की जो अकाउंट्स होते हैं प्रिंसेस, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। आरिफ काजी साहब आपको तो पता है, आपने तो देखा अकाउंट्स है इस नाम से सर, आपने तो सेफ क्यों नहीं, मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने नाम से है। अच्छा। लेकिन इस किस्म के अकाउंट्स को मैंने खंगाल के देखा है, ये हमेशा दो नंबर निकलते हैं। ओके। अब अच्छा। जैसे हाँ। अब एक ने बनाया हुआ था मैं सिंगर लाशारी हाँ, वो और अंदर से मैंने उसको देखा तो पूरा बोपारी निकला था, वो पूरा वो ग्रुप था। तो तस्वीर किसकी लगाई हुई है? किसकी? कैसर की है। कैसर भाई, कैसर भाई आज जो है जरा ज्यादा मौजूद है। पहले वाली उम्र से पहले वाली ये वाली उम्र तो पहले वाली लाई थी। अच्छा जनाब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम गपशप भी करें आपस में, उस वक्त से कुछ अच्छा कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से गपशप भी करें और आई थिंक अब गाने की तरफ चलते हैं और बिकॉज हमारे पास जबरदस्त किस्म के एक सिंगर भी मौजूद है, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अभी आप लोग तो यहाँ पे माशाल्लाह बैठ गए हैं और आपको लग रहा होगा कि शायद कुछ मिसिंग है, सो म्यूजिक मिसिंग है, यकीनन मिसिंग है, बिकॉज म्यूजिक के बगैर जो है वो कोई भी एनिवर्सरी का शो जो है इनकम्प्लीट होता है। तो अभी हम स्टेज पे दावत देंगे। यार मुझे ना बुलाना प्लीज। नहीं सर आपका बुलाना बहुत पुराना हो गया, अब नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता आपको तो अब स्टेज से बैन कर दिया गया है, रिटायर हो। अच्छा जी स्टेज पे हम दावत देंगे बहुत ही हमारे प्यारे से सिंगर इस्लामाबाद के, बहुत ही अच्छे, और K2 टेलीविजन पे आप उनको देखते रहते हैं माशाल्लाह। नॉट जस्ट अ सिंगर, अ परफॉर्मर। अ परफॉर्मर जी, आप नाम लेना चाहेंगे? वेरी टैलेंटेड, आप लोगों की भरपूर तालियों में जुनैद खान। बल्कि आपसे दो बातें जी, 14 एनिवर्सरीज माशाल्लाह से K2 ने देख ली हैं और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ एनिवर्सरीज के आप भी हिस्सा रहे और आपने K2 को बहुत अरसे से ज्वाइन किया हो, तो ये जो पूरा आपका सफर था विद K2 ये कैसा रहा? शानदार, बहुत जबरदस्त रहा जी, और सबके साथ एंजॉय किए, ईद सेलिब्रेट की है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, मेरे लिए बड़ा जबरदस्त मौका रहा। जबरदस्त जी, और अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो खुल के तालियां। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इस पॉइंट पे हम लेंगे एक ब्रेक, बहुत सारा हल्ला गुल्ला हो रहा है, सेलिब्रेशंस हो रही है, लेकिन यहाँ वक्त है एक वक्फे का, और वक्फे से वापस आएंगे तो चौदहवीं का चांद का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाँ जी वेलकम बैक वंस अगेन, और अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने परफॉर्मेंस देखी जुनैद खान की, और बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी, और उनकी परफॉर्मेंस क्या होनी है सर? Yes. जो उस पे काई साहब आपने जो धमाल डाला है, वैसे मैंने आपको एक आध उधर देखा है उस पे भी धमाल डालते हुए माशाल्लाह। मैं बड़े अरसे बाद नाचा हूं की वजह से बंद हुआ है, वाह ऐसी धमाल डाली है कि उसके बाद मेला ही नहीं हुआ, मेला ही खत्म हो गया, छोड़ दिया। अब तो अब कहां जोर रहा, अब कहां वो जवानी रही, अब कहां वो नाच रहा नाच रहा। अच्छा जी अब थोड़ा थोड़ा गपशप लगाते हैं अपने अपनी टीमों से, बिल्कुल ऐसे ही, सबसे पहले लेडीज फर्स्ट। ओके बहुत ही खूबसूरत माजबीन, आप मुझे बताइए 14 साल हम डिस्कस कर रहे हैं माशाल्लाह, 14 साल का आज हो गया हमारा K2 का ये बेबी, और एक अटैचमेंट है सबकी अपनी अपनी, और ये अपनाइयत, ये जो एक फैमिली का माहौल है, ये सिर्फ हम कहते नहीं है, ये है वाकई है। आप अपने सफर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
हमेशा जब भी कभी खुशी का मौका होता है, चाहे ईद है चाहे वो कोई इवेंट आता है, तो 14वीं क्या सालगिरह की हम बात करते हैं, हर सालगिरह पर वही खुशी होती है, वही जज्बा होता है और बहुत अच्छा लगता है। हमारी ईदें मेरे ख्याल में इनकम्प्लीट होती हैं जब तक हम यहाँ पर सब इकट्ठे नहीं होते, तो ऐसे लगता है कि कुछ कमी है। बिल्कुल ऐसे, और ये एक अच्छी बात है कि सब इकट्ठे होते हैं, सब अच्छे। समटाइम ऐसे होता है कि आप कभी कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं यार अभी तो मूड नहीं है, लेकिन होता ये है कि जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा यार मिस नहीं किया, ये शुक्र है कि मिस नहीं किया, क्योंकि ये वाकई वो गेट टुगेदर है जिसका सबको इंतजार होता है। अच्छी एक अच्छी मेमोरी आपकी जो है रह जाती है, आप उसको एंजॉय करते हैं। हमारे साथ निदा मुमताज है, निदा मुमताज नया एडिशन है जनाब हमारी फैमिली का। निदा आपकी ये पहली ईद है हमारे साथ, बिल्कुल ऐसे, और 14 साल आज केटू को हो गए तो उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जितनी भी जर्नी आपकी गुजरी है कैसी गुजर रही है, कैसा लग रहा है? मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है शुरू से लेकर, बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा 2024 का जो स्टार्ट था वो बहुत अच्छा था माशाल्लाह, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हुई जो हमेशा से मैं चाहती थी, मेरा ड्रीम था कि वो पूरा हो, जैसा तो कि मैं चाहूंगी, जैसा कि रिपोर्टिंग एंकरिंग ये सब मेरा शौक था। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मेरा ड्रीम पूरा हुआ और केटू ने मुझे मौका दिया इसका, और मैं जब यहाँ पे आई इतनी बड़ी इलेक्शन की जो ट्रांसमिशन है उसका पार्ट बनी, फिर ये जो इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है, पहले हमने ईद गुजारी उसके बाद अब ये एनिवर्सरी, तो बहुत अच्छा रहा मेरा। क्या बात है, निदा ना सिर्फ हमारा एक स्क्रीन का बहुत अच्छा एडिशन बल्कि प्रोडक्शन के हवाले से भी माशाल्लाह से बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी में इन्होंने हमारी केटू न्यूज़ को बहुत ज़बरदस्त संभाला कि हमारी जो ख़वातीन है वो ना सिर्फ स्क्रीन पे yes. बहुत ही खूबसूरती से एक प्रेजेंटेशन उनकी है, लेकिन साथ ही साथ कैमरे के पीछे भी जनाब, क्या बात है। और वो अब वो जो हमारा अगला वो जो शाहकार है यार, वो मेरे बड़े फेवरेट हैं, इनके जितने रोड शोज हैं आई मेक श्योर कि मैं इनके रोड शोज देखूं, क्योंकि वो बहुत दबंग किस्म के स्टाइल से और बेधड़क होके करते हैं, बंदा उठा लेता है उसमें रिपोर्ट में, एक पुलिस वाले को उठा के लेके चले गए, ऐसे ही कहां लेके गए, थाने छोड़िया, थाने छोड़िया गया, वो तो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं। अच्छा, लेकिन मैं साथ ही साथ बताऊंगी, आसिम भाई जो है ना, सिर्फ आप उनकी रिपोर्टिंग का जिक्र कर रहे हैं, गाते बहुत खूबसूरत है वैसे, ये सब भी जानते हैं, अब ये कोई बात ऐसी नहीं रही, आसिम भाई कमाल गाते। तो आज हमारी इस टीम में एक सिंगर भी मौजूद है, ये पता होना चाहिए आपको। आपकी टीम में एक सिंगर है, हमारी टीम में दो सिंगर हैं। नहीं, सारे सिंगर हैं, सारे एक ही सिंगिंग करते हैं जी, अंदर से हम सब लोग गाते हैं, एक दूसरे के लिए गाते हैं। क्या बात है, हाँ जी, सुनने लायक होता है। नहीं, ये तो आप ये बात ना करें, आप लोगों को तो याद है मैं कब से गा रहा हूँ। जी जी, और एक ही गाना माशाल्लाह, हमें तो बहुत बेहतर वो गाना रुश्दी साहब ने इतना नहीं गाया जितना आपने गाया। हाँ। जनाब आजम भाई से पूछेंगे, थोड़ा सा बताएं अपने सफर के हवाले से। मैंने इसी ऑडिटोरियम में जब मैं आया था, केटू की 6वीं सालगिरह थी, आज माशाल्लाह से 14वीं है, तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं मुसलसल केटू का हिस्सा हूँ माशाल्लाह। और जिस तरह से केटू ने तमाम लोगों को मौका प्रोवाइड किया है, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिसकी नज़ीर मीडिया इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलती, डेफिनेटली। और बड़े बड़े नाम यहाँ से गए हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़े फ़ख्र की बात यह है कि हम आज भी केटू का हिस्सा हैं, 14वीं सालगिरह मना रहे हैं। इंशाल्लाह दुआगो हैं कि केटू जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। बिल्कुल ऐसे ही, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे साथ हैं कैसर तन्नौली, क्या कहेंगे कैसर भाई, 14वीं का चांद। बिल्कुल, 14वीं की चांद तो सभी हैं आज, तो सारे जो है वो चमक रहे हैं, और केटू जो है हमेशा से जो है चमकता धमकता है, और 14 साल ऐसे गुजर के पता नहीं चला, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और आसिम ने ठीक कहा कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इसकी नवीद नहीं मिलती, बहुत सारे चैनल्स और भी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बड़ा काम करते हैं, अपने आप को बड़ा कहते हैं, लेकिन केटू ने वाकई में हकीकतन बड़ा काम किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उन रीजन्स में किया है जहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड एरियाज है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद मुसलसल 14 साल हो गए, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जनाब, क्या बात है। देखिए जिया, ये मैं एक उन लकी लोगों में से हूँ जिसने ये 14 साल पूरे केटू के साथ कंप्लीट किए, बल्कि आई रिमेंबर कि 2009 के एंड में आई स्टार्टेड वर्किंग विद केटू चैनल, और डे वन से जब से हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन थी तब से, और जब से हम प्रॉपर एक चैनल के तौर पे थे तब से, आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कैसर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि केटू चैनल ने उन इलाकों पर फोकस किया जो इलाके बड़े डिप्राइव्ड रहे हैं पूरे पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ मीडिया कवरेज। सो केटू जिस जगह जाता रहा वहाँ अपनी जो है ना धाग वो जमाता रहा है, और चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चित्राल है,
हजारा डिवीजन है। मान भाई ये बात मैं अक्सर करता हूँ कि ये जो काम कर रहा है ये बहुत मुश्किल है और ये मुनफरिद है और एक थीम के ऊपर और इन मुसलसल उन एरियाज के अंदर काम करना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। खास तौर पे आजकल जो मीडिया इंडस्ट्री के हालात हैं और जो फाइनेंशियल हालात हैं उनको देखते हुए, तो ये अल्लाह पाक का खुसूसी करम है, फजल है कि ये सिलसिले ऐसे चलते जा रहे हैं और हम लोग दुआगों में उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मजीद आगे ऐसी फले फूलेगा इंशाल्लाह जी। और एक शो जिसका मैं जिक्र करूंगा कि जी वो डे वन से K2 टेलीविज़न की जान रहा और K2 टेलीविज़न बल्कि मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट शो रहा वो K2 टेलीविज़न का, और उस के जो हमारे पास एक मेंबर यहाँ पे बैठे हुए वो इस कदर टैलेंटेड, वो कहते हैं ना डायनामाइट ऑफ टैलेंट, वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। और पापा जी आए काई साहब, आरिफ काजी साहब, आरिफ काजी साहब आपको काजी साहब कहें, मलिक साहब कहें, बिकॉज माशाल्लाह ये मैं आपके मुंह पे बात नहीं कर रहा हूँ, वाकई में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने जब बताया कि मैं इस चैनल में काम करता हूँ तो उन्होंने कहा अच्छा वहाँ पे मलिक साहब भी होते हैं। मलिक साहब बिल्कुल, कोई शक। तो ये जो एक फेम और फिर एक शो को 14 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह चलाते हुए और फिर अब वो अपनी पीक पे, अपनी मेराज पे पहुंच गया, सो ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए मैं ये कहूंगा कि इस मलिक के करेक्टर को बनाया K2 ने, अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता तो मलिक नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही, तो मलिक को ये प्लेटफॉर्म मिला, फिर मलिक को फिर सबने बर्दाश्त किया, उस करेक्टर को बर्दाश्त किया, उस प्रोग्राम को बर्दाश्त किया और फिर उसमें हम नए नए तजर्बे करते रहे, नए नए एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन तीन करैक्टर ऐसे थे कि जो कंटिन्यूसली चलते रहे, पापा, आपा और मलिक, तो वो लोगों के जहनों में नक्श हो गए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकें, जहाँ पे आपको मतलब अपनी स्लाइटों का थोड़ा सा और आप ग्रो भी करें और उसके साथ साथ ग्रो होती रहे। तो फिर ये मैं कहूँगा कि K2 और बैठक, बैठक और K2 ये दोनों एक ही चीज़ है और फिर बीच में मलिक मर्ज हो जाता है। अब मैं अगर आप खैबर की बात करेंगे तो वहाँ पर शानो है, वहाँ पर सादा गुल है, बिल्कुल वो कहते हैं कि जी ये खैबर के करेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो है तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो चैनल इंजन होते हैं, तो अब जैसे आप बाकी चैनल्स को भी देखें तो उसमें दो तीन प्रोग्राम्स ऐसे होंगे कि जिनका आप कहते हैं कि यार ये इससे पहचाना जाता है। तो मेरी ये खुशकिस्मती रही, मेरी टीम की रही, मतलब हमारी टीम की रही, बैठक की टीम की रही कि ये K2 के स्क्रीन के ऊपर एक पहचान बन, क्या बात है, इसको आप लक भी है इसमें, किस्मत भी है, हार्डवर्क भी है, और जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और K2 है तो ये सब कुछ है। अच्छा ये बड़ी प्यारी नहीं बात है तो कुछ भी नहीं। हम दूसरे चैनल्स का जब जिक्र करते हैं तो मैं ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, लोग स्टार्स को बुलाते और स्टार्स को ही वो देते हैं अपना वो प्लेटफॉर्म देते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे K2 का हमेशा से खासा रहा है। अगर मैं अपनी जर्नी की भी बात करूं, एंकरिंग का जिक्र अगर मैं करूं तो आज जब मैं अपने 2015 का शो देखती हूं तो मैं कहती हूं अच्छा इन्होंने मुझे तब भी बर्दाश्त किया जब मैं ये कर रही थी और आज माशाल्लाह भी कर रहे हैं। नहीं बात है कि होता है ऐसे जी हां, मैं बात कह के फंस गई हूं, लेकिन माशाल्लाह मैं अपनी ग्रोथ को देखती हूं एज एन एंकर, तो मैं हमेशा इस चीज़ को ऑन करूंगी बड़ी खूबसूरती के साथ के मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला व्हेन आई वाज नोबडी लिटरली, और मैं कहती थी कि यार कैसे बोलूंगी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे को एंकर नहीं थे, नौमान नहीं थे और मुझे अरहम ने कह दिया शो स्टार्ट करें, वो मेरी प्रोड्यूसर थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अकेले कैसे बोलूंगी, और आज डेढ़ डेढ़ घंटे का शो करती हूँ। मैं एक बात यहाँ पे करूँगा जी, बाकी जगहों पर आप सीखते हैं, थ्योरी होती है, हाँ जी, वर्कशॉप्स होती हैं, ये वाहिद जगह है जहाँ पे आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, गलतियों से सीखें, आप खुद गिरें, खुद उठें और खुद जो है इससे ज्यादा आपके ऊपर रिस्क कौन लेगा, कौन लेगा, कोई भी नहीं लेता ना। आप कहीं और गलती करें तो कहेंगे बाबा माफ करो, वो आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, बस ठीक है, फॉलो करें। यहाँ पर हमने कितनी यानी कितना कुछ सीखा, कितना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, गलत हो गए, फ्लॉप हो गए, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं दोबारा आ जाए, किसी नए रूम के साथ आ जाए, जबरदस्त। अच्छा मैंने माजिबिन का नाम इसलिए किया कि इनका और मेरा साथ जो है वो खैबर में भी रहा और K2 में भी K2 में भी रहा। हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था माजिबिन लाउंज, ठीक है, उसमें हम करते थे डिफरेंट किस्म की गेटअप्स, ठीक है, और उसमें मेरे साथ होते थे आजकल के वो बैठक के जो है वो
चंदेव चाचा और उस वक्त के, वो एक यादगार कितने कैरेक्टर्स कर दिए। कोरोना के अलावा हमारा सबसे जो बेस्ट था वो आदावर्स था, आदावर्स जो कि केटू पे एक बहुत बड़ी ऐसी पहचान बन गई कि मैं और चांदनिया एक ऐसा वो कहते हैं ना कि लाजिम मलजूम हो गए कि जब मैं कहीं जाती थी तो अक्सर लोग पूछते थे कि चांदनिया नहीं है साथ, और चांदनिया मुझे बताते थे कि अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो कहते हैं बीवी जी कैसी है। कमाल भाई, वो भी बहुत जबरदस्त एक आइडिया था, ब्लैक एंड व्हाइट था और बहुत अच्छा आइडिया था। माशाल्लाह प्रोग्राम्स ऐसे कि वो फिर वो चैनल इंजन बन गए। क्या बात, माशाल्लाह। अच्छा, और हमारे पास माशाल्लाह सबसे जो अच्छी बात है जी, वो इस ये बात है कि हमारे पास जो यूथ है वो हमें ज्वाइन करती है और वो माशाल्लाह थोड़ा पीछे होके बैठ जाए। सर यूथ नहीं कहते, भूत को छोड़ दिया, यूथ पीछे छुप गई है। जी क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज सिद्दीक आप हमारे माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म के, आपकी जो सर्विसेज रही हैं हमारे चैनल के लिए, बिलखसूस जो आपने इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक अंथक मेहनत की और थ्रू आउट द ट्रांसमिशन यू वर हेयर विद ऑल योर रिसर्च, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो सफ़र आपका K2 टेलीविज़न के साथ रहा इसके बाद? नुमान भाई बहुत शुक्रिया। मेरा आगाज़ K2 टेलीविज़न के साथ 2019 में हुआ। मैं ज़िला मानसरा में रिपोर्टर था, तो वहाँ से मैंने अपने काम का आगाज़ किया। आई थिंक सो मैंने 5-6 महीने रिपोर्टिंग की, तो फिर मेरे रिपोर्टिंग को देखते हुए मुझे एक प्रोग्राम दिया अहवाले हज़ारा। फिर मैं वो प्रोग्राम करता था, तो कोरोना आ गया। कोरोना के दौरान भी मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए अहवाले हज़ारा उधर, और फिर चूँकि यूनिवर्सिटीज़ बंद थी तो मैंने आखिरी 2 सेमेस्टर्स क्लासेस नहीं ली अपनी उधर से। तो मैंने कहा यार, मेरा शौक़ था चूँकि, मैंने कहा यार इस्लामाबाद चलते हैं। तो मैंने कैसर भाई से बात की, मैंने कहा मैं सर शिफ्ट होना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद। तो मैं जब इधर आया इस्लामाबाद, तो मुझे आज भी याद है कैवान साहब से मैं मिला, उनको मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा क्या करना है तुमने। कैसर भाई ने मुझे मिलाया, तो मैंने कहा जी मुझे न्यूज़ एंकर बनने का बहुत शौक है, क्योंकि आपको पता है हम साइड एरियाज़ के लोग होते हैं, तो हमारी वो जो अल्फाज की अदायगी बहुत सारे मसाइल होते हैं, अभी भी हैं हमारे, टच आता है ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा यार कर लो, तुम्हारी मर्जी है जो। तो मुझे आज भी याद है, मैंने 1 हफ्ता प्रैक्टिस की, 1 हफ्ते बाद उस वक्त हमारा बुलेटिन होता था गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैंने पहला बुलेटिन किया। तो उसमें चूँकि लाइव था, पहला एक्सपीरियंस था जाहिरी सी बात है, तो उसमें जब सवाल करने का मौका मिला, हमारे अली शेर साहब हमारे तजियाकार थे उस वक्त, तो मैं सवाल कर रहा था उनसे, तो थोड़ा सा मैं दरमियान में बस सहम सा गया, तो खैर मैंने मैनेज किया। तो उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह आज ट्रांसमिशंस भी की हैं और कई ऐसे मौके आए, तो कैसर भाई ने कहा चलो जी आगे हो। मैं कैसर भाई को क्रेडिट ज़रूर दूँगा, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, मुझे सिखाया, डेस्क के ऊपर मैंने काम किया, अभी भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, 1 साल का मैंने ब्रेक लिया, लेकिन K2 की मोहब्बत, मेरी पूरी टीम, मेरे बिलखसूस हमारे इंचार्ज जो कैसर तनोली हैं, इनकी मोहब्बत है। 1 साल का ब्रेक लिया मैंने, उसके बाद फिर मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा किसी और इदारे में नहीं जाना, K2 में। दानिश क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे मदु किया, और सबसे बढ़कर कि ये भी एजाज़ की बात है कि इतने बड़े बड़े नामों के साथ, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि जिनको हम देखते हैं और सुनते हैं, और दूसरा ये कि जो देखने और सुनने वाले हैं उनको भी ये जो 14 बरस हैं ये मुबारक है, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो असल जो ताकत है, जो जज्बा उन्हीं की तरफ से होता है। तो K2 टेलीविज़न का मैंने 2023 में जुलाई में यहाँ पे आया था, ऑडिशन हुआ था एज़ अ न्यूज़ एंकर, और कैसर साहब ने काफ़ी मुझे यहाँ पर सपोर्ट किया और मौका दिया। बाकी गलतियाँ होती हैं, सीखते हैं, और ये सिलसिला जारी है। और K2 टेलीविज़न जैसे ही किसी को पता चलता है, मेरे जानने वाले जो भी हैं जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो उनका अगला ही जुमला ये होता था कि K2 टेलीविज़न सकाफ़त को बहुत प्रमोट करता है। तो बैठक प्रोग्राम और बहुत ज़्यादा मतलब सकाफ़त को, स्पेशली जहाँ पे भी हिंदको और पोठवारी बोलने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में या दुनिया भर में, जहाँ पे भी हिंदको और पोठवारी बोली जाती है, तो K2 टेलीविज़न को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से सरकारी सतह पे किसी चैनल को सकाफत को प्रमोट करने का अवार्ड मिले तो वो K2 टेलीविज़न। बड़ी अच्छी बात, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल सर जी। शुमाइला का मैं जी आपको ये बताऊँ कि शुमाइला ने इलाकाई टच में 20 मिनट्स ऑफ फेम के अंदर इन्होंने वो आई, और वो 20 मिनट्स छोड़ के वो 1.5 घंटे का फेम हो गया, और उसके बाद माशाल्लाह से ये K2 का हिस्सा बन गई, और माशाल्लाह अब अपना एक शो कर रही हैं और ज़बरदस्त किस्म का। मानसरा से इनका ताल्लुक है, हज़ारा बेल्ट से ताल्लुक है, और माशाल्लाह अपनी नेटिव लैंग्वेज में करती हैं। क्या बात है। शुमाइला आपका कैसा सफ़र रहा K2 टेलीविज़न के साथ?
नुमान भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर जो यूथ है, लड़कियाँ हैं ख़ास तौर पर, तो वो जब भी अगर वो टैलेंटेड हैं तो अगर वो आगे बढ़ने का सोचती हैं कि हमें आगे जाना है किसी भी फील्ड में, अब जैसे मेरा होस्टिंग और एंकरिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक रहा और अभी भी है, तो मैंने सोचा, तो सबसे पहले ये सोचा कि क्या मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो मेरे लिए सेव हो, या जिस तरह की मैं हूँ उस टाइप का प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करती थी कि बस ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले कि जिस टाइप की मैं हूँ उसी तरह के मुझे लोग मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। फैमिली वाला माहौल, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बहुत खुश भी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप सब मेरे सीनियर्स हैं, आप लोगों से सीखने का मौका भी मिल रहा है, और अपनी बहुत सारी गलतियाँ भी मैंने नोट की, और इसी तरह सीखने का अमल जारी रहेगा। क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस। और शुमाइला, माशाल्लाह, मैंने शुमाइला को आज पहली बार लाइव सुना, अभी हम जब ब्रेक में थे, तो क्या खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, एफर्टलेस, एफर्टलेस, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत रेज है, कमाल जनाब। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप डाउन टू अर्थ हैं और बड़ी हम्बल है, ये अच्छी सर, ये वैसे लेकिन इन्होंने एनवायरनमेंट वाली बात की है ना, ये बड़ा, ये तमाम जितनी भी फीमेल हमारी कलीग्स हैं, मैं खुद अपने आप को भी शामिल करूंगी, मैंने हर जगह जितना भी काम किया है, जितना भी मेरा एक्सपोजर रहा है डिफरेंट चैनल्स में, मैंने इससे ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट कहीं नहीं देखा। मैं केटू के पूरे चैनल के किसी भी रूम में जाके दरवाजा खोलूं, मुझे पता है आगे मेरा कोई फैमिली मेंबर ही बैठा है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो सिक्योर फीलिंग है, कि बहुत रेयर, बल्कि है ही नहीं शायद इस चैनल के अलावा, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मैं बजाते खुद कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक खातून हूँ, तो ये बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट अहमद भाई, देखें ऑफ कोर्स केटू टेलीविजन के साथ अब तो एक स्क्रीन के अलावा, प्रोडक्शन एंड स्क्रीन के अलावा, एक और आपका रिश्ता है कि आप वो कहते हैं वो दिल में उतरना है तो मैदे के थ्रू उतरे, कहते हैं ना पेट से उतरे, पेट से उतरे मैदा, मैं डायरेक्ट ही मैदे में चला गया। तो ये जो आपका सफ़र रहा इस इदारे के साथ, बिलखसूस केटू टेलीविजन के साथ, और ये जो आपने 14 साल देखे केटू टेलीविजन के, उतार चढ़ाव भी जाहिर है बीच में होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मोहब्बतों के और खूबसूरतों के सफ़र में 14वीं सालगिरह, आपको भी, मैनेजमेंट को, सबको बहुत बहुत मुबारक, और ईद की मुबारकबाद भी। जहाँ तक सफ़र की बात है, वो ये कि पहले खैबर टीवी और खैबर टीवी के बाद उर्दू चैनल पे आना, जैसे अभी सदीक ने एक बात की कि हम लोगों की, चाहे वो हज़ारा साइड की हो या फिर पख्तून जितने भी हो, वो आपको लीडिंग चैनल पे किसी में भी आपको उर्दू प्रोग्राम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो सबसे जो खूबसूरत बात और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उर्दू चैनल पर आना, प्रोग्राम्स करना, ये और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है। फिर लोग पहचान जाते हैं, और ये सफ़र इतना खूबसूरत रहा कि उर्दू चैनल पे, वैसे तो पश्तो चैनल भी आपको मुख्तलिफ, जो आपका पाकिस्तानी टीवी चैनल जो बड़े हैं वो पश्तो के ही किसी चैनल में आपको काम का मौका देंगे, लेकिन किसी और चैनल में आपको उर्दू के प्रोग्राम नहीं मिलेंगे। तो केटू की ये खूबसूरती रही है कि हम सबको ये मौका मिला और हम लोग प्रोग्राम करते रहे, और फिर वो जो आपका शौक होता है या फिर आपकी एक लगन होती है कि दुनिया आपको देखे और वो समझे आपको, तो वो बहुत अच्छा रहा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और अहमद भाई का एक शो आता है पिकनिक, वो अगर आप देखें तो आपको बहुत उम्दा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज बड़ा डिफरेंट शो था। मैंने अक्सर ऐसे भी देखा कि पानी के अंदर टेबल लगा के एंजॉय कर रहे हैं, सही वाला पिकनिक चल रहा है। कई दफा चीजें अपने साथ लेके नहीं, वहीं से दरिया से पकड़ के इन्होंने बनाई है। ऐसा भी हुआ है। अच्छा जनाब, मैं चाहूंगी हमारे पास इधर आसिम भाई भी हैं, शुमाइला भी मौजूद है, अगर दो दो लाइनें कुछ म्यूजिक की भी हो जाए, कुछ यानी आपकी टीम का हमारी टीम के साथ मुकाबला। देखिए मैं क्योंकि खातून हूँ तो मैं चाहूंगी कि शुमाइला जीते, तो इस चीज में मेरी सपोर्ट वहाँ होगी, ये ना लेकिन हम अपनी टीम को सपोर्ट, लेकिन अभी मैं, लेकिन आसिम भाई, हर मर्द के अंदर भी एक औरत छुपी होती है, जगाए उस औरत को। नहीं, वो क्यों जगाए उस औरत को? गुस्से में मैं एक्चुअली आपके लिए एक गाना ढूंढ रहा था, ठीक है जी जी, कि जो आपने बैठक में आके वो माइये जो गाए, यानी आप इनको बताएंगे, आप इनको बताएंगे, ताफू साहब है? नहीं नहीं, मैंने इनके लिए कंपोजिशन बनाई थी, याद है? आपने बनाई थी कौन? ताफू साहब, याद है? जी, इनकी रिपोर्ट्स नहीं हिट हुई, इनके माइये हिट हो गए, ये वायरल हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट है, आई थिंक वही, अब देख ले बता किस जगह का था, फिर तो माइये होने चाहिए, माइये होने चाहिए जी जी, पहले लेडीज फर्स्ट, हां पहले उनसे, अच्छा नहीं नहीं, ये बोलना चाह रहे हैं कि इनका सुर कितना, वो चाह रहे हैं, देखो मैं कितने पानी में, चले यार लेडीज फर्स्ट, नहीं उनसे तो मुकाबला तो नहीं हो सकता, वो प्रोफेशनल है, क्या बात, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे। हां ओके जी,
यार मी गो यत गो यार मी गो यत गो चूने बोयम चूमरा दिलदार मी गो यत गो अरे लोगो अरे लोगो तुम्हारा नात पढ़ते हुए देखा तो माशाल्लाह नात भी इतनी खूबसूरत पढ़ती है और अरफाना कलाम भी. जी सर मुकाबला तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा जी. बहुत ऊंचे पक्के सुरों में इन्होंने जी भाई साहब तुसा टपिया नहीं गल की टपिया नहीं गल टपे मैं वापस जा के ना चूंकि केटू ने 14वीं सालगिरह थे और केटू ने जिक्र उसी टपिया हां हां जी जी क्या बात है वायरल कंटेंट चाहिए. छल्ला मेरा जी ढोला छल्ला मेरा जी ढोला पिंडी नाल पंडोड़ाए ओ खैबर दे नाल केटू डाडा गजब दा जोड़ाए ओ खैबर दे नाल केटू डाडा गजब दा जोड़ाए छल्ला मेरा जी डोला छल्ला मेरा जी डोला कोई ताला संदूका दा केटू दी जुदाई कोलू चरा चंगाए बंदूका दा ओ केटू दी जुदाई कोलू चरा चंगाए बंदूका दा छल्ला मेरा जी डोला ए छल्ला मेरा जी डोला चिट्टी बसे उत्ते बह गए ओ बारियां बंद करके ओ बारियां बंद करके साडा दिल भी लै
मेरा जी डोलाए चला मेरा जी डोला काली चादर करने ओ ओए ऐसा केड़ा मंदा कीता कंड कर है लंगे ओ ऐसा केड़ा मंदा कीता कंड कर है लंगे चला मेरा जी डोला पड़े अलिफ ते बे माया चला मेरा जी डोला पड़े अलिफ ते बे माया ओ काजी जेड़ी सिम कितिया ओदा नंबर ता दे ओ जेड़ी नमी सिम कितिया ओदा नंबर ता दे माया चला मेरा जी माहौल उठा दिया है फिर आसिफ भाई ने ये मानेंगे सर जी ब्याह में बुलाओ सर जी सर जी फिर माहौल देखो नंबर नहीं नहीं वो हमें गप लाई अच्छा ऐसे अच्छा हमें गप लाई है आज मैं मेरे को नंबर अच्छा जी की मौजूदगी में नंबर मांग रहे मैं तुझे दे भी दूंगा फिर उसके बाद जो होगा रियली जी अच्छा मैं चाहूंगी या क्या एक दफा तालियां होनी चाहिए दोनों टीम के लिए वेरी गुड इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही मजेदार सी शोरील मौजूद है केटू की शोरील मौजूद okay. है सफर की शोरील मौजूद है मैं चाहूंगी चल के हम सब देखते हैं मेमोरीज को रिवाइव करते हैं अच्छा, नहीं मतलब चल के चल नहीं पड़ना मतलब ऐसे ख्यालों में चलते हैं चल के इसे एंजॉय करते हैं देखते हैं और इन तमाम मेमोरीज को रिवाइव करते हैं और फिर वापस आते हैं
क्या बात है जनाब, बहुत जबरदस्त। मैं तो यानी ये देखने के बाद विजुअल मैं थोड़ा परेशान हो गया। क्यों सर, परेशानी वाली? कैसा कैसा अच्छा अच्छा काम किया हमने, बहुत अच्छा किया है। तो यकीन नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रहा है, मतलब कि अभी इससे मजीद बेहतर हो सकता है। बिल्कुल अच्छा। हो सकता। और मैं साथ साथ अभी ग्रुप भी पढ़ रहा था। अच्छा रियली? ग्रुप में भी हो गया कुछ? वो अभी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। जबरदस्त शो का सिलसिला जारी है इस वक्त। बादम बा मुलायजा होशियार वलीहदे हिंदुस्तान, शहजादा सलीम तशरीफ ला रहे हैं। ये शहजादा सलीम अखलड़ी बदबदी तररररर मौका मिले कदो कदी, कल नहीं किसी ने वेखी मजल ये अजदा। अखलड़ी बदबदी बदतमीज, हमारे साथ तुम क्यों डांस कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें जल्लाद कहीं के? हाँ सलीम तेरे लिए माशाल्लाह। अच्छा सलीम बेड़ा सलीम के लिए सही गई। शेखू कहिए मुझे कौन है आप लोग? बर्दाश्त ना कर सकती ना हमारे रोब को, तो मर जाती। रोब सारा पेट पे आपका जी, ये बांधा हुआ है मैंने। खामोशी, इसके अलावा दूसरा चांस नहीं था। खामोशी क्या हुआ? ओके ओके, ये जड़ा पीछे तुसी नास्तक रखे है अल्लाह दा वास्ता है, ऐसा कोई दिन किसी लागी ना जो ने छोरा जा। ये 2022 का जल्लाद है, वो इसी किस्म के कंप्यूटराइज होते हैं, हिलते रहते हैं। हाँ। हिलते रहते हैं। सलीम आप कौन सा फ्रेग्रेंस यूज करती हैं? हाँ जी करते हैं। क्या चीज खुशबू कौन सी लगा? खामोश, ये पेशावर से लगी हुई खुशबू आई है तो वही यूज कर रहा हूं। अच्छा ये उसकी आवाज सुनी ने जी के, फिर आखिए एक बारी होशियार रहिए। शाबाश, होशियार ही है। वाह बहुत अच्छे भाई, बादशाह सलामत को बुलाइए। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा अच्छा नाराज क्यों है तू? भी उठ जा मेरे कब बोल जी बात सर पे वाह 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 वाह। अच्छा वाह सर, बाप और बेटी की रंगत में फर्क है भाई। अच्छा, तफसील आपको प्रोग्राम के दरमियान बता देंगे। अच्छा जिस सल्तनत के ये बादशाह है उसकी आवाम का क्या हाल होगा? वो पीछे उसकी तरह क्यों होंगे? जल्लाद होशियार रही है, ये दरबारी किस किस्म के लिबास आई है? बादशाह सलामत आई है, आइए आइए बादशाह सलामत। दरबारी जो है किस किस्म के लिबास में मलबूस बैठे हुए हैं? बादशाह सलामत चौदहवीं साल है, इनका लबास नहीं है। वो तो हमें पता है, क्योंकि जो हमें मधु किया गया तो हमें बताया गया कि सल्तनत केटू की 14वीं सालगिरह है। जी जी बात। और 14वीं सालगिरह के मौके पर हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह 14वीं का चांद पूरा होता है, बादशाह सलामत वो बंदा पीछे तोड़ा ऑटो थे हमें कोई चीज मार दे इसे रोको, इसको हमने सलामत चाइना बैटरी लगाई हुई है, सलामत थोड़ी सी चलेगी। काजी ने कोई फैसले गलत किए हैं? क्या कह रहे हो, कौन से फैसले गलत किए हैं? कोई एक हो तो बताए ना, आजकल टिकटॉकर बन गए हैं। टिकटॉकर बन गए हैं? हाँ। काजी को पेश किया जाए? पेश नहीं हो सकते, तुम पेश हो जाओगे। क्यों, हम शहंशाह हैं, हम काजी को पेश कर सकते हैं। इसको रोको। अच्छा एक मिनट बादशाह सलामत है बंदा भाई, तू काजी को नहीं पहचान पाया? काजी को नहीं पहचान पाया 14 सालों में? सच कहा है किसी ने कि काजी को पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पता है अब्बा जी वो क्यों है? अब्बा जी पता काजी है यहाँ पे। अरे चुप करो, पता है वो क्यों? हर वक्त वो रूप रंग बदलते रहते हैं। यानी बहरूपी है? हाँ। ऑटो पे चल रहे। अब्बा जी बात सुने, ये कौन है? ये तो मुझे जोधा भाई जैसी लग रही है। इधर काजी साहब, ये देखिए। अच्छा काजी साहब हम भूल गए, किधर है?
कौन सवाल है काजी? ये है काजी, काजी ये बैठे नहीं, हमारी सल्तनत में खवातीन काजी नहीं हुआ करती थी। मैं रूप बदलना होता है। अच्छा, इसका मतलब है आप है काजी। तो बताइए जल्लाद, उन्होंने मान लिया है कि वो काजी हमारे साथ अफतारी करते रहे हैं, वो काजी है। अफतारी में आपको पकौड़े कम दिए हैं? नहीं, अच्छा था। आखिर में हमें छोड़ के भाग गए थे। बादशाह सलामत, आखिर में बादशाह सलामत, अगर आपको अफतारी में खवातीन काजी नहीं हो सकती तो फिर आपकी सल्तनत में जो आजकल शहजादे आ रहे हैं वो होम्योपैथा क्यों आ रहे हैं? वो असल में उन्होंने पोलियो के खतरे नहीं पिए। अरे अब्बा जी, अब क्या हुआ अब्बा जी, हमने क्यों नहीं पिए? फिर भी हमें कभी कभी तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों। कम वक्त कंपेने कर करके हम थक गए और हमारे अपने ही वली अहद ने पोलियो के कतले नहीं पिए। सारी कैंटीन छिक जो ले तू, तेरे तकलीफ ना उसी से। 12,000 बिल भी तो आता है ना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तंदूली साहब अभी अभी हमारे साथ उम्रा करके आए थे, हम रास्ते में रह गए थे, चले गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, मुबारक हो आपको। आप तो माशाल्लाह गोल्डबर्ग के छोटे भाई लग रहे हैं। गोल्डबर्ग ने दाढ़ी रख ली है, बिल्कुल ऐसी। माशाल्लाह, शुक्र है अब्बा जी, आपकी सल्तनत में उम्रा करने के लिए नहीं करने, वरना मेरी तरह वापस ही आते। अनारकली कहां है? दीवारों में। जाओ जोधा भाई, आप कहानी खत्म हो गई शुरू होने से पहले। मेरी वाली दीवारों में और खुद देखते रहते हैं। अनारकली, तुम दीवार कैसे फलांग कर आ गई? इतनी मजबूत दीवार। सिले इलाही, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। सिले इलाही, हम दीवार फलांग के नहीं आए, हमें अपनी हुदूद का पता है। आपने मटेरियल ही इतना नकली लगवाया हुआ था। आपने हमें यहां इंसल्ट करवाने के लिए बुलाया था। जैसे अब्बा वैसे इनका मटेरियल। शहजादे से ही अंदाजा लगा लें। देखिए, ये एक राज की बात है। शहजादे युगंडा का शहजादा है। ये हमारे अंदरूनी खानदानी राज हैं। अब्बा जी, ये राज आज फाश कर ही दे, मैं कहता हूँ। वैसे जिले इलाही, इधर करीब आइए आप। हम मजबूर हो गए थे दीवार तोड़ने पे। वो ऐसा है कि वहाँ पे ना वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो इसलिए। अरे कमबख्त जल्लाद, ये भी टिकटॉकर बनने लगी, ये क्या हो गया? जल्लाद हो गए, हमारी नस्ल को क्या हो गया? जल्लाद को आपने टेक्निकल मैनेजर रखा हुआ है क्या? असल में हमारे सारे दरबारी भाग गए हैं। हाँ। यही एक हमारा वफादार बाकी बचा है। कुछ दिनों में चले जाऊंगा। क्यों? ये हालातों में चला जाऊंगा, इसे रोटी पूरी दिया करो। जल्लाद, आप कुछ कह रही थी? सिले इलाही, हम ये अर्ज कर रहे थे कि हम मजबूर हो गए थे यहाँ आने पे। आपने वाईफाई का पासवर्ड भी हमें नहीं बताया था और हमें दीवारों में चुनवा दिया। अगर आप हम पे इतनी पाबंदियाँ ना लगाते तो आज हम एक सुपरस्टार होते। अगर सुपरस्टार होती तो इस नाहंजार से आपकी शादी हो जाती। हमने आप पर एहसान किया। अब्बा जी, उसका बंदोबस्त हमने कर रखा था। शेखू जी, अब्बा जी पता है क्या, वो हमने जो है ना वीडियो कॉल पर एक दूसरे से शादी कर लेनी थी, दीवारों के अंदर में दीवार के बाहर। Excuse me, शेखू, हम आपसे ऐसे लाइव मुतासिर नहीं हुए तो हम क्या व्हाट्सएप पे खाक मुतासिर होंगे? तो उधर मैं फिल्टर लगाता ना, फिर आप खुद ब खुद मुतासिर हो जाती। आजकल सारे फिल्टर लगाते, फिल्टर स्थान बना हुआ है। वैसे जिले इलाही, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। हम आपसे काफी दिनों से एक सवाल करना चाह रहे थे। पैसे ना मांग लो, सही कह रहा है। हम आपसे ये अर्ज करना चाह रहे थे कि आप इतने गोरे चिट्टे सुर्ख सफेद रंगत के मालिक और शेखू ये किस पे गए हैं? थोड़ा ज्यादा उबाल लिया। असल में ये वही राज है, आज हम बता ही देते हैं, हम बताना नहीं चाहते थे। असल में हम जब अफ्रीका गए तो हमारे हाथी के आगे ये चल रहा था। आउट कैसे चल रहे थे? हम जब अफ्रीका को फतह करने गए तो हमारे हाथी के आगे ये जा रहे थे। ये तो शुक्र है कि आपने बता दिया कि हाथी के आगे ये जा रहे थे। आगे आगे ये ऊपर हाथी के हम बैठे हुए थे। अच्छा, हमने एक खूबसूरत सी अफ्रीकन को देखा और हम वहीं पर अपनी जंग भूल गए और उससे शादी कर ली और रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, ये शादी जून जुलाई की थी? बिल्कुल, सख्त गर्मी का महीना था। अच्छा जी, अच्छा सर, अच्छा अब्बा जी, ये राज आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपसे नाराज हूँ। कमबख्त, तुम जोधा भाई को बता देते हमारी जिंदगी हराम कर देते। फिर
तो जोधा भाई ने कभी पूछा नहीं नमूना कहाँ से आया? उनको हमने कनीसाओं को समझाया हुआ था। अपना अनारकली मेरी बात सुनो और कान खोल के सुन लो, आज के बाद अपने अब्बा जी से पर्दा करना है। अच्छा क्या? क्यों? वो आपकी जितनी भी सहेलियां हैं ना कनीजे, ये सब के साथ उनके ऊपर लाइन मार रहा था, कभी चार के साथ इधर बैठे होते, कभी चार के साथ उधर बैठे होते हैं। ज़िल्ले इलाही, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। असल में ये नए जमाने नए दौर के हैं, जो पुराने जमाने के आ रहे थे ना, वो मशीनरी जरा अच्छी काम करती है। अच्छा, अच्छा। वो जरा बादशाह सलामत आज तक ये राज नहीं पता चले, अनारकली तो सा ना ले या पुत्रे ना ले। इसको राज ही रहने दीजिए तो बेहतर होगा। चलो, हमने सोचा था किसी के साथ नहीं है। अच्छा ना, मैं आके दो अनल्ला जदियो ए दोएस नहीं, ए पाकिस्तानी कोई देखियो। आप अपनी रोटी क्यों रोड रहे हैं? बादशाह सलामत जाने का टाइम हो गया। अच्छा, ओ तेरी खैर। लेकिन हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। वैसे जिले इलाही, हम एक और सवाल भी आपसे पूछना चाह रहे थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ केटू की सालगिरह के मौके पर यहाँ हमें बुलाया गया और हमें बड़ी खुशी हुई कि केटू की सल्तनत में हमें मधु किया गया। और जिस तरह चौदहवीं का चांद बिल्कुल पूरा होता है, उसी तरह 14 साल हो चुके हैं और उफक पर उभर रहा है चौदहवीं का चांद। और हम जोधा भाई जो है वो अंदर दुल्हन बन रही है एक बार फिर से, और हम ये गाना गाएंगे, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, कुछ भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अब्बा जी, अब्बा जी, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये एक साल के बाद ही हमें क्यों बुलाते हैं, दरमियान में क्यों नहीं बुलाते? ज्यादा सवाल मत करो इससे पहले कि दरमियान में आना भी खत्म हो जाए। चलो बादशाह सलामत, ए ए अपना ट्रेलर इधर छोड़ के जुलियो, ये आपको चाहिए? ये चाहिए ऐसा आप रख लीजिए, इसकी रोटी खर्चा पूरा कर लेना। फिर शहजादा सलीम कर चलो, क्या हो गया इसका क्या मतलब है? 5,000 रुपए देने तो दे देना, ऐसे करने से क्या फायदा? निकाल ली जाओ, दी है जाओ जाओ, कभी दी है किसी को? जाओ ना, नहीं दी, मर जाएंगे 5,000 तो हार्ट अटैक हो जाएगा। डब्बी लाऊं? जबरदस्त जी। और वैसे जल्लाद की आवाज में जो रोब था, वो रोब सुनके मुझे वो जल्लाद कम और डायरेक्टर प्रोग्राम ज्यादा लग रहा नहीं अच्छा, इनको ये कुछ भी ना बोलते, खड़े रहते, वैसे ही हंसी आ रहे कोई शक नहीं। अच्छा हनुमान भाई, वो जो जल्लाद साहब का सींग था वो सबसे प्यारा, वो सबसे प्यारा था, वो असल में सिग्नल कैच करता था। अच्छा जी, जबरदस्त सी परफॉर्मेंस तो हमने देखी, और जबरदस्त आज के दौर में हम आपको बादशाहों के दौर में मुगलिया दौर के शुगलिया लोगों को बुलाया हमने। वाकई ये बहुत ही कोई अजीब सी, यस नहीं अच्छा एक बात है जी, मुझे उन्होंने डरा दिया, कहते काजी नहीं, वो दिल की पड़ास निकालते हैं। साल बाद उनको मौका मिलता है ना कि करैक्टर में, लेकिन यार वो शुक्र ये नहीं कह रहे काजी ओए पुत्र लागे हैं, बाद में जब कहेगा काजी साहब पे थोड़ी देर बाद वो भी कहते काजी साहब। एक्सीलेंट। अच्छा जी, अगर आप लोग इस वक्त एंजॉय करना चाहते हैं म्यूजिक तो क्लैपिंग कर दें जरा थोड़ा सा। जिया से फरमाइश करेंगे, जिया द स्टेज इज योर्स, इसको ले जाइएगा साथ अपने, बहुत भारी होगा। हाँ भारी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे जो नहीं किया। और आप लोगों को मैं ये बताऊं कि ये गाना इसका बड़ा मेलो था, और इस शो के लिए इसने एक दिन पहले इसको अपबीट किया कि स्पेशल हमने रीमिक्स बनाया, इसको रीमेक करूं और इस शो के लिए। तो यार इस एफर्ट के लिए क्या करें। और माशाल्लाह से सर, मैं देख रहा था इस 5 मिनट के सॉन्ग में कम से कम 5 से 6 मिठाइयां आपने उठा के
और यस बांटी है, बांटी है, बांटी है, वाह वाह, क्या आप खाएंगे? नहीं, अच्छा सर ये कौन सा बांटी है? सदीक खा दिया सर, मैं जल्दी नहीं खाती, मैं नहीं खाती। वो शोज में काजी साहब आपने बांटी है, ऑफिस में जाके नहीं करते, उनको पता नहीं बांटी है इन्होंने, इतने टुकड़े मैं देख रहा था। अच्छा सारे ही मेरे इधर देख रहे थे, गाना क्या सुने? हां गाने पे किसी का ध्यान, गाने पे किसी की तवज्जो नहीं थी, गाने नोट किए सुन रहे थे ना, बाजबीन कैसे सदीक सब मुझे देख रहे थे और आंखों से देख रहे थे। का भरपूर फायदा उठाया और एक लड्डू के चार हिस्से तकसीम करके चारों में बांटे हैं। और जिस वक्त आपने देखा ना फिर काई साहब ने खा देगा, नाइस सॉन्ग, नाइस सॉन्ग। अच्छा वैसे एक बात है, ब्रेक अब इसलिए बनती है क्योंकि ये बर्फी को लड्डू कहना शुरू हो गए हैं, सो आई थिंक इस मौके पे लेते हैं जी एक क्विक सी ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड। जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको चौथी के चांद की इस खूबसूरत सी महफिल में, और ये रंग, ये मिठाइयाँ, ये बिस्किट सारे आरिफ साहब ये अकेले खा रहे हैं? नहीं नहीं मैं, अच्छा मुझ पे वैसे ही इल्जाम है, इल्जाम है, आप यकीन करें ऐसा है कुछ खाए पिया माशाल्लाह, इन पे इल्जाम है, ये खा नहीं रहे, कुछ रख भी रहे हैं। अच्छा वैसे अच्छा सर वैसे आपस की बात है, ये माशाल्लाह आपने अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन रखा हुआ है, ये क्या है इसके पीछे राज? गुर्बत फाका नहीं, अच्छा नहीं आपको गरीब लग रहे हैं, सारा तो वही खा जाते हैं। नुमान आप कैसे जान गए ये बात? हेलो जी सर, ये एक बड़े दुखी कहानी है, राज की बात है, राज की बात, ठीक है राज ही रहने दें, डिस्क्लोज करें इसके लिए, सिंपली आप वॉक करें, आपके लिए बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, आपके चैनल के लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, वॉक जरूरी है। अल्लाह मैं कितने जाऊं, उफ़ो इस तपती धूप में यकीन करे ईद के मौके के ऊपर मैं कहां कहां नहीं जलील हुई, रुली पिट्टी खबराई इधर उधर फड़की मड़की, लेकिन मुझे वो ना मिला, नहीं मिलता मुझे, मैं क्या करूं। हाय अल्लाह इस मौके पे एक सैड जा ठेका बांट दे है खान साहब, सैड सा ठेका। बहुत ज्यादा इंजॉय करने की जरूरत नहीं, तानू समझ आ गई ना, हसीन खतून देख ली हूं तुसी। अल्लाह इतनी रौनक ते मनु ते पता ही नहीं सी, हर तरह का मर्द यहाँ पर है? मतलब हर एज ग्रुप का मर्द, मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक मिनट में तेरे साइड पे आके बात करूँ। उफ अल्लाह मेरे से भी ज्यादा हसीन लोग यहाँ पे बुलाए हुए, मुझे पता ही नहीं था वे नहीं मावे, तेन छी नहीं मैं। आप हाँ जी या। नहीं नहीं परेशान ना हो, इसको स्पिरिट से साफ करते हैं बाद में। आपको पता है मैं इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ मैं। बस कर पहने बस। है ना रिश्ता तो ना खराब करो। क्यों दिल फाड़ लगी है? हालांकि टाइटल सॉन्ग में ताड़ी ना भी करना है। अच्छा आपको पता है मैं अकेली रह गई हूँ इस जहान में। अच्छा। एक तरफ आपको पता है मैं जहाँ जितनी हसीन जुबान ऊपर से मैं अकेली दानिश मैं जा रही थी, यकीन करें इस टाइम है पगडंडी पे नहर किनारे ऐसे टेलतियां मारे, पगडंडी टूटी नहीं, नहीं पगडंडी तो नहीं टूटी, होते वैसे ने केला खा के छिलका सुटिया सी, मेरा पाँव आया मैं यकीन करें स्लिप हुई हूँ ना, तो जैसे मैं गिरी हूँ मैं बच गई, फिर यकीन करें अचानक जैसे ही मैं थोड़ा सा ना आगे गई ना तो सामने से एकदम एक गाड़ी आई, यकीन करें वो करीब आई ना तो मैं साइड पे हो गई। अच्छा। लेकिन फिर मैं तानू दसा होया कि मैं जा रही ना कदर तो एक तेज हवा का झोंका आया वहां से, यकीन करे एक टाली के थले उत्ते आके मेरे सिर दे विच बजी, मेरी आदत चली गई, मैं अपना रांझा ढूंढ रही हूँ। अच्छा। बहन एक बहन का दुख तुम ही समझ सकती हो, एडा सोना बंदा रखे है तू, मैनू भी दस कोई बैचलर रह रहे के मैं थक गई। अच्छा। दानिश फारिग है
देखें ये जितने भी मर्द यहाँ पे बैठे हैं ना, ये बड़े मासूम शरीफ मर्द हैं। तकरीबन तकरीबन सिर्फ प्रोग्राम के वास्ते होंगे ने। अच्छा मैं दसना, ऐ मुच्छा मैं रह के आई हूँ, एक मोहब्बत की यही निशानी रह गई सी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के अंदर वो गबरू जवान मौजूद है जिसकी ये मूछ है। आपको हाँ ओ कोने जो बैठा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मुझे पता है किसकी मूछ है। किसकी ये बता दे, ना 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 रुक जाए एक मिनट, ऐसा ना करे सस्पेंस मेरा खराब, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अच्छा मैं आपको बता दूं कान में, नहीं कान में ना बताए यकीन कर बिक ले जाएगी। सुने तो सही, आप अकेली सुने तो सही, सुने हाँ सही कह रही हूँ। हाँ तो अनमोल कैमरा मैं नहीं उससे। अच्छा बात सुने, आप अकेली तो नहीं, आप तो खुद में अंजुमन है। एक हसीन खातून ने दूसरी हसीन खातून की तारीफ करके साबित कर दिया कि यहाँ पे सारे ऐसे लोग हैं जो जेलस नहीं होते। अच्छा खैर मुझे बताए ना, ओ माय गॉड हर एज ग्रुप का बंदा। अगर तो बात सुनो, ये मूछ के अलावा अगर भवे हैं तो ये गुलदाद भाई की हैं। एक मिनट तेरे नाल जरा बात सी गल करेंगी, ऐ अपना गल सुनियो। हेलो भाई गल सुनियो ना, एडी को सोनी शीशे वाली वेस्टकोट पा के आओ, जरा इत्थे ते आओ। प्लीज आइए मैं आपको पूछता हूँ। बोलेंगे कैसे? देखें मैंने सुना है कि आप भी आजकल कोई बड़ी कोई बैचलर वैचलर से हैं, यकीन करें मैं अकेले रह रहे कि तड़फ की परेशान होगी। मैंने नहीं ख्याल सोचा है क्या कि मैं ना इन सब के साथ एक एक आइटम सॉन्ग पर डांस करूंगी, जिदे नाल मेरा हिट होगी ना जोड़ी है, तो उसी वोट करना ठीक है सारे ने, ठीक उन्हें मैं नाल ले जाएं खेती है ना, क्या पता ये देख के आपने फिर उगा ली हो तो। अच्छा ऐसे काम आप चाहती है कि मैं ये मूछे लगा के आप देखे मैं आपका वाकई वो लगता हूँ कि नहीं? मैं आप ही ला लूंगी। बेजालमा इधर ठेका तो लाई है। ये कैसा एक्ट था? हीर तो आप एंड में खुद बन गए थे सर। एक मिनट हेयर यू हाँ नहीं पायन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे सर पे हाथ रखिए तो उधर जाके बैठ जाइए, मजा नहीं आया यकीन करो, थोड़ी जी तुहाडे कोल लंबी लग रही है ना, मैं की करूँ। हाँ जाओ बैठ जाओ, मेरे को ऐसा बंदा होना कि हाइट भी तो बराबर हो। मुझे बड़ा गोश्त मना है। हैं जी? मुझे डॉक्टर ने बड़ा गोश्त मना किया। हाय हाय मैं सुनया मोटू दे नाल जाके चर्बी वाले टिक्के ते बड़े शौक नाल खांदे रहे उतारियां च। जिया जिया ध्यान रखना आप। मासने ना आप इधर घूम फिर के आए, इतना अच्छा माहौल बना, मैं 14 एनिवर्सरी सालगिरह का केक में अंदर बाप जा केक काटने जाती थी। देखिए मैं नए जमाने की बीवी हूं। अच्छा ठीक है मुंह उधर कर लो प्लीज। हाँ बच्चा बच्चा अभी भी आप बच्चे हैं, मैं तो कुछ और, चलो छोड़ो मेरे ख्याल छोड़ो ना। अच्छा दूसरा वाला ठेका लगाएं प्लीज।
ओहो माफ करना बाजी पाई ना जाके बैठो तू की गल है तू शर्म नहीं आती साली लाल तुसी हो जी हरकत कर रहे हो साली जाके साली लाज हुआ है आपका साली आधे घर वाली अच्छा नहीं ठीक है लाज हुआ है आपका मैं जाए वापस इधर एक ही बंदा ही खुश हो गया था ਉਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਛ ਲਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਦੇਖ ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਟਿੰਟ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡੋ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਜੀ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਜੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਮਾਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਰੈਸਪੀਸ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਰੈਸਪੀਸ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ नहीं नहीं खबरें पाड़ देने ना एवं किसी दिन खबरों में नशर कर दें कि बहुत ही अश्लील औरत कहाँ यहाँ पे डांस करते हुए पकड़ी गई है मैं क्या करूँगी एक वो सिंगर से आई थी यहाँ पे किधर गई जुनेद 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 को बुलाया जुनेद हाँ जो आजा 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 जल्दी से आना ओए ओए ये जोड़ी ये मासूम लड़का है यार हमारा नौजवान हां आपको क्या पता आप चुप कर जाए ना अभी तो मासूम सी लड़की है हां जुनेद आना आना अच्छा मैं इसके हाथ पैर गिन लूं एक मिनट हां ओके ताकि हम वापस वापसी पे इसको चेक करें ना हां ठीक है पूरा ठीक है मुछा बड़ी कुतर के आए हो तुसी मैंने सुना बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप क्या मुझे क्यों बुलाया आपने आपने कहाँ देख लिया मुझे परफॉर्म करते हुए अभी मैं भी अच्छा अच्छा यहाँ एंजॉय कर रहा था अच्छा अच्छा ऑडियंस के साथ बैठा हुआ था मैंने कहा जरा बड़े को मुझे आजकल के जमाने के आप लगे इससे पहले के पसीने से मेरी बेस उतर जाए तो दाढ़ी निकल आए तेरा तीजा गाना चलाई हो जल्दी करे तेरा इस कमरे में जाऊं कहां जाके ढूंढूं हाय है बस कर दे यकीन करे ऊपर रैश हो जाती है इतनी टिंडी खारिज करते अल्लाह मेरा ख्याल है आप लोग सालगिरह का केक काटे अल्लाह मेरी चुन्नी देख दी ठहर जाओ मैं चलती हूँ बहन अपना ख्याल रखना यार बात सुने हाँ जी। आपने हमारा टाइम जाया किया मतलब अगर हमें से कोई था नहीं तो आप हमारा चलता शो इतना अच्छा खूबसूरत आपने क्यों बर्बाद किया नहीं बर्बाद तो नहीं किया यकीन करो जबरदस्त सेगमेंट बन जाएगा प्रोमो च रौनक अपने आप सुनो जिया मैं इससे जरा बदला लेके आऊं अच्छा ऐसे ले क्वालिटी ऐड करें शो के अंदर क्वालिटी ऐड करें क्वालिटी कैसे ऐड होगी कैसे आपके गाने भी से क्वालिटी ऐसे ऐड होगी कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं सुनाया ओए ओए। आप सुनाएंगे तो फिर मजा दोबारा होगा मजीद बेहतर होगी जब तू और मैं मिलके गाएंगे मेरे ख्याल से थोड़ी क्वालिटी बेहतर ज्यादा क्वालिटी नहीं चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए आप लोगों की भरपूर तालियों में नुमान रखा आदाब आदाब जनाब वेलकम बैक कहेंगे एक बार फिर से आप लोगों को चौदहवीं के चांद की इस खूबसूरत सी महफिल में और कैसा लग रहा है नुमान ओवरऑल जो आज का हमारी ये महफिल है एक्सपीरियंस है फेस्टिविटी है देखिए जी ये सारे चेहरे वो हैं मोर लेस ज़्यादातर कुछ तो हमें अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया उनको हम वेलकम कहेंगे लेकिन इनमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं माजबीन हो गई कैसर हो गए काई साहब हो गए ये तमाम लोग जुनेद हो गए ये तमाम लोग पुराने दौर की याद मतलब हमारे जो केटू के स्टार्ट के दौर की याद एक दफा का जिक्र है वाले एक दफा का जिक्र है सो काई साहब के साथ जब मेरी पहली मुलाकात थी सो मुझे वो आज भी याद है हाँ और माशाल्लाह से उसके बाद से आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखा भी है स्क्रीन के हवाले से भी और बिहाइंड द स्क्रीन भी सो एक अच्छा जर्नी रहा मेरा डेफिनेटली डेफिनेटली और जाते जाते हमने अपने इन मेहमानों से कुछ मैसेजेस भी लेने हैं लेकिन सेलिब्रेशन हो और सेलिब्रेशन में बर्थडे सेलिब्रेशन में कौन कौन से लवाजमात बहुत जरूरी हैं देखें जी कचौरियाँ होनी चाहिए ये बड़ा जरूरी है कीमे वाले समोसे होने चाहिए yes. आलू वाले कचौरियों से याद आया कि इस पूरे साथ चटनी ओहो हो क्या कह रहे हैं नुमान भी खाना अच्छा होना चाहिए खाना अच्छा होना चाहिए और आज खाने में क्या है
आज खाने में है ख्याली पुलाव। अच्छा ख्याली पुलाव उसको दम पे रखा हुआ है, खाने में गोद उठा के दुआएं हैं। नहीं ख्याली पुलाव पे हमने चोलियां चाह के दुआवा। अच्छा मैं चाहूंगी कि जाते जाते कोई मैसेज आपसे शुरू करते हैं, देन फिर हम स्वीट हार्ट मैसेज क्या, जाहिर सी बात है हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और 14 साल कैसे गुजरे वाकई में पता नहीं चला। इसमें बड़े खूबसूरत प्रोग्राम्स किए, बड़ी मॉर्निंग्स की, बहुत सारे ये जो अभी जितने लोग हम बैठे हुए हैं इनसे पहली दफ़ा इंटरेक्शन हुआ और काई साहब और मेरे पहला जो मॉर्निंग हुआ उसके बाद हमने 4 साल तक प्रोग्राम ही नहीं किया आपस में। क्यों ऐसा क्या हुआ? हिट हो गया था एक वक्त, हाँ हिट हो गया था वो बहुत और उसके बाद नहीं रियली बहुत अच्छा जर्नी रहा। फिर हमने कश्मीर के हवाले से बहुत कुछ केटू की स्क्रीन पे दिखाया, उसके अलावा जैसे गिलगित बल्तिस्तान चित्राल को और हज़ारा को, इन तमाम एरियाज़ को कवर करते हुए ये फील हुआ कि वाकई में जो पाकिस्तानियत है या जो आपके अपने लोग हैं, आप जब काम करते हैं तो आप बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं। Definitely. जब आपका कॉलर आपको कॉल करता है तो आप किसी और चैनल पे जब भी कभी प्रोग्राम देखते हैं आपका कॉलर इतना कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल। लेकिन केटू का जो कॉलर है वो इतनी मोहब्बत से आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपने प्यार का, आपको वहाँ पर काम करते हुए ये फ़ख्र होता है कि मैं इस मुल्क के लिए, वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए, सकाफत के लिए कुछ कर रहा हूँ। कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में कोई भी काम आप करें उसका कोई आउटपुट होना चाहिए। ज़रूर। तो वो आउटपुट ये है कि माशाल्लाह से आज 14 साल हो गए केटू को और अल्लाह ताला इसको और फले फूले, ये हम यहाँ पर काम करते रहे, हम नहीं होंगे और लोग आएंगे लेकिन हमारे पास बहुत खूबसूरत यादें हैं और हमेशा इसके लिए दुआगो रहेंगे। क्या बात है। निदा आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैंने बहुत इन्जॉय किया आज की जो सेलिब्रेशन थी, एनिवर्सरी थी, और मुझे क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ, अभी 4 to 5 months ही हुए हैं लेकिन इन 4-5 माह में भी मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक कनेक्शन आपका बिल्ड होता है और मैंने यहाँ से बहुत सीखा। जो कहते हैं कि पहली जो सीढ़ी थी, मतलब सीढ़ी का जो मैंने कदम रखा वो मैंने यहाँ से रखा और मैं बहुत लकी हूँ कि इतने अच्छे लोग मिले और इतने अच्छे टैलेंटेड लोग मिले। और केटू के लिए कहना चाहती हूँ कि केटू ने बहुत अच्छे लोग यहाँ प्रोड्यूस किए, बड़े बड़े स्टार्स, आज हम बहुत बड़े नामों को देखते हैं, अच्छे स्क्रीन्स पे देखते हैं जो यहाँ से ही होके गए, यहाँ से ही सीख के गए। तो मेरी दुआ है कि केटू ऐसे ही दिन रात तरक्की करे, आगे बढ़े और ऐसे जो नए लोग आने वाले हैं या जिनकी ख्वाहिशात हैं, जो ड्रीम्स हैं, केटू एक ज़रिया बनता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही मेरी दुआ है केटू के लिए और जहाँ यहाँ पे जितने लोग हैं उन सब के लिए दुआएं, क्योंकि केटू के पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप सब लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया। और जो रीजन्स वाली बात है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि अब मैं अक्सर जगहों पे जाती हूँ, लोग कहते हैं कि आपका जो डीडी प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा, इवन जो मेरे गाड़ी वाले भाई हैं वो अक्सर कहते हैं कि मेरे अबू बहुत शौक से देखते हैं वो प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं ये रीजन्स को कवर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, देखते हैं और वहाँ के बहुत सारे मसाइल को ये सामने लेके आते हैं और सिर्फ सामने ही नहीं आते, वो मसाइल हल भी होते हैं। मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। क्या बात है, थैंक यू आसिम भाई। बात यह है कि केटू टेलीविज़न की 14वीं सालगिरह है, पिछले 8 साल से हम इसके साथ हैं, लेकिन केटू का जो व्यूअर है उसके अंदर केटू में एक अपनाइत है। तो अक्सर जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग आके जब कहते हैं कि यार वो मलिक साहब का आपका प्रोग्राम बैठक लगता है तो हमें बड़ी खुशी, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। लोग कहते हैं जी चांद मियाँ से मुलाकात करनी है, हमारे मोहल्ले में एक रिक्शा ड्राइवर है तो वो अक्सर मुझे कहता है यार वो चांद मियाँ से मुलाकात करवा दो। तो यही केटू की खूबसूरती है, केटू ने जो है वो अपनाइत बांटी है, लोगों को ये एहसास दिलाया कि केटू एक वाहिद मेन स्ट्रीम चैनल है जिसने तमाम जुबानों को यकजा करके एक गुलदस्ता जो है वो बना दी है और पूरे पाकिस्तान की जो है वो इसने नुमाइंदगी की है और ऐसी ऐसी जगहों की नुमाइंदगी की है कि जहाँ पर कैसर भाई ने भी आगे बात की थी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि हम उस चैनल का हिस्सा हैं जिसने कराची से खैबर तक, कराची से खैबर तक जो है वो लोगों के अंदर अपनाइत डाली है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये केटू का खासा है। तो जैसे ही हम जब फील्ड के अंदर जाते हैं लोग हमें कहते हैं कि यार आपको मैं केटू पे देखता हूँ, आपकी वो फलां वीडियो बड़ी हिट हुई हमने देखा, तो फिर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं क्योंकि हम केटू का हिस्सा हैं। तो हमारी ये दुआ है हम यहाँ रहें ना रहें केटू जो है वो फलता फूलता। आमीन आमीन। क्या बात है कैसर भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और 14 साल जो है ना, ये मैंने पहले भी कहा कि पता नहीं चला एकदम से गुजर गए, लेकिन 14 सालों में बहुत कुछ सीखा, बहुत काम किया। हमारी जो खसूसियत और ख़ासियत है रीजन्स की है, जहाँ पे हमने इलाकाई ज़बानों को प्रमोट किया। बहुत सारे लोग जो मेरे इलाके के हैं, अगर वो बाहर किसी दुनिया में किसी मुल्क में मौजूद हैं
तो वो अगर उनको मैं अपना इलाका अपनी ज़ुबान में दिखा रहा हूँ तो वो किसी और जगह को नहीं देखेंगे, किसी और चैनल को नहीं देखेंगे। और ये जो व्यूवर बनाया है ना केटू ने, ये शायद किसी और के पास नहीं है, और यही खासियत है, ये खासा है। इंशाल्लाह अपनी कोशिश जारी रखेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादातर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में काम किया है, हालाँकि छोटा सा सेक्शन है, लेकिन इसने अपना काम भरपूर किया है, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आगे भी ये ऐसे ही चलता रहे। और केटू के लिए बहुत सारी दुआएं। क्या बात है, इस तरफ आएंगे जी सिद्दीक। और भी मैसेज यही है जी, हम लोग अक्सर आसम भाई ने भी बात की, कैसम भाई ने भी बात की कि केटू की अपनायत की, तो अक्सर जगहों पे हम लोग जाते हैं, बिलखसूस हम हज़ारा डिवीजन की बात करें, हज़ारा गिलगित हमारा चक्कर लगता रहता है, तो अक्सर लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते, जिससे पूछो कहते हैं यार केटू हज़ारा का है, गिलगित वाले कहते हैं ये हमारा चैनल है, क्योंकि हम लोगों ने मुख्तलिफ रीजन्स की हम बात करते हैं, हम मुख्तलिफ ज़ुबानों की बात करते हैं, हमने ना सिर्फ ज़ुबानें, हमने ना सिर्फ सकाफत, बल्कि जो तमाम तर जो हज़ारा डिवीजन की बात करें, पोठुआर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो वो मैंने लोगों का जिक्र किया ना, लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते कि यार अच्छा वो आपके हज़ारे का चैनल है, गिलगित वाले अच्छा वो हमारा चैनल है, तो ये केटू की खासियत भी है। और दूसरा ये है कि मैं अभी जिस तरह मैं अपना आपको मिसाल दे दूं, मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं कि यार मैं आज रिपोर्टिंग कर सकता हूं, मैं कहता हूं मैं डेस्क पे काम कर सकता हूं, मैं कहता हूं मैं एंकरिंग कर सकता हूं, तो ये जो बहुत सी चीज़ों का मजमूआ है तो मुझे केटू ने बनाया। क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात की जी। दानिश, पैगाम और दुआ यही है कि ये चैनल मज़ीद तरक्की करे, और जिस तरह सकाफत को ये उजागर करता है मज़ीद भी इसी तरह करता रहे। और केटू टेलीविजन के लिए ये भी कहना चाहूँगा, मेरा क्योंकि कुछ ही अर्सा गुजरा है और गुजर रहा है, अल्लाह करे जितना है वो मज़ीद अच्छे से गुजरे, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे मुझे ये मिनी पाकिस्तान लगता है, यहाँ के पूरे पाकिस्तान के लोग मिलते हैं, जो लसानी तफरीक है वो नज़र नहीं आती, तो सबको मौका मिलता है, एक यूनिवर्सिटी का ये दर्जा रखता है, सबको सीखने का मौका मिलता है, और यही दुआ है कि ये मज़ीद तरक्की करे। ऑफ मैनेजमेंट, ये जो सब कुछ आपने कहा है ये अर्न किया है 14 सालों में। वाह माशाल्लाह, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये 14 साल ज़ाया नहीं हुए। और सर आपके कंधों पे तो बोझ भी है, मतलब जाहिर है बीइंग डायरेक्टर प्रोग्राम्स, तो ये जो सब बोल रहे हैं ये 14 सालों में बीइंग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट का एक हिस्सा होने की उसमें ये अर्न किया है, तो बड़ी खुशी हो रही है। और बाकी मेरी जो ज़ाती बात है तो मैं ये कहूँगा कि मेरे 14 साल का ये ज़िंदगी के ये 14 साल जो केटू के साथ हैं ये बड़े खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और बाकी जो एवीटी चैनल्स के साथ 20 साल हैं उनका तो खैर वो मकाम और दर्जा ही कुछ और है, तो मैं मुझे लगता है कि ये मेरे 14 साल ज़ाया नहीं हुए, बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ सीखा है, फाइनेंशली भी मिला है और अल्लाह ताला ने शोहरत भी दी है, इज़्ज़त भी दी है, मकाम भी दिया है। तो जब आपको इस लेवल की सेटिस्फेक्शन हो कि आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि आप गलत नहीं हैं किसी जगह पर, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी आपकी जो अचीवमेंट है कोई भी नहीं है लाइफ में, कि आपको 14 साल बाद ये महसूस हो कि आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, आपने कोई गलत ऐसी बात नहीं की, और आज आपको उसका समर मिल रहा है, फल मिल रहा है। तो K2 इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर द राइट पर्सन, और जितने भी लोग आए और उन्होंने अचीव किया, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे गया, और ये बच्चे जितने भी आज बैठे हुए यूथ बैठी हुई है, और ये भी मैं ये देखता हूँ कि बड़ा स्पार्क है, बहुत स्पार्क है, और बड़ी खुशी होती है कि K2 की ट्रेन जो है उसने बहुत सारे मुसाफरों को लेके चली है माशाल्लाह, और सबको अपनी अपनी मंजिल पर पहुँचा। ज़बरदस्त जी। शुमाइला, आपसे रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि अपनी इलाकाई ज़बान में अगर हो जाए, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन एक यूथ की तरफ से, क्योंकि K2 ने यही एक स्टीरियोटाइप तोड़ा है कि जो हमारी यूथ थी जो उर्दू बोलने वाली थी, जो अपनी इलाकाई ज़बान को एज सच उस तरह से ओन नहीं करती थी, हमने वो स्टीरियोटाइप तोड़ा, और उसका उसकी मिसाल ये है कि शुमाइला आपको अपनी प्यारी सी लैंग्वेज में पैगाम देंगे जी। K2 टेलीविजन जरा चैनल है, इसकी तारीफ इस मेरे को अल्फाज मुझ कट हैं, और मैं बस यही आसा कि मुझ कट अरसे बिच जड़ा है, हालांकि मुझे थोड़ा सा वक्त होया था आए दिया, लेकिन मैं था बहुत कुछ सीखे, और मैं अगर भी जड़ा है इसी सफ़र को जारी और सारी रख रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि खुशियाँ का त्यौहार है, असं खुश रहना चाहिए, और अगर असी कामयाबी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो असं जी एक आजसी है, अगर असी आजसी अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ना तो कामयाबी असंदा मुकद्दर बन जी। जूनी बॉय,
एंड लास्ट वन, तो मेरे पास बड़ा शॉर्ट टाइम होगा. मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस चीज़ को ज़रूर सेलिब्रेट करें कि 14th एनिवर्सरी को हमने जो सेलिब्रेट किया हमारे लिए आज यादगार बनाया जिस होस्ट ने, तो नुमान और जिया के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज ज़रूर होना चाहिए. इन्होंने हमारे लिए बड़ा अच्छा मैनेज किया सब चीज़ें. डेट गोज टू यू. बल्कि बल्कि आपकी इस बात को और मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बिहाइंड द कैमरा हमारी प्रोडक्शन टीम और ऐसे चेहरे, ऐसे लोग जो कि इन 14 सालों में शायद हम ये जो स्क्रीन पे आने वाले लोग हैं उनसे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे, वो तमाम कैमरामैन, वो तमाम हमारे स्टाफ जो टेक्निकल स्टाफ हैं, वो तमाम हमारे प्रोड्यूसर्स हजरात, वो तमाम लोग, वो भी खराज तहसीन के मुस्तहक हैं कि माशाल्लाह ये 14 साल उनकी अंथक मेहनत की वजह से आज हम इस मकाम पे खड़े हैं. क्या बात है. और फन और फनकार के लिए ऐसी सेलिब्रेशंस का होना बहुत ज़रूरी है और ये तकवीत मिलती है K2 की वजह से हम जैसे छोटे से आर्टिस्ट को भी कि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ नुमान लाशारी के साथ, जिया के साथ, माजबीन के साथ और गाजी साहब के साथ, इतने बड़े गुरु लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, तो ये K2 की वजह से ही मुझे ऐसे लोगों को भी मौका मिलता है. तो इसलिए हम सब आर्टिस्ट और जितने भी हम फैमिली मेम्बर्स हैं हमें चाहिए कि इस मौके को यादगार अपने लिए बनाएं, ना सिर्फ 24 घंटे की स्टोरी में बल्कि लाइफ लॉन्ग अपने साथ इन यादों को लेके चलें. ब्यूटीफुल रिपोर्ट. और इस पॉइंट पे एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी, इस सारी मुबारकबाद में जो क्रेडिट है हमारे मशर का है, इस बेबी को इस 14 साल का करने में, हम पे यकीन करने में, हम पे बिलीफ रखने में और हमें मौका देने में कि हम खुल के अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. सो ये मुबारकबाद जो है सबसे पहले उनको जाती है और आई होप एंड आई प्रे कि ये चैनल हमेशा इसी तरह से फले फूले और कामयाब. आ गया वो शाहकार था जिसका इंतजार. मैं चाहूंगी हम अपनी अपनी जगहों पे भाई अगर खड़े हो जाएं. मुंह मीठा वैसे कराने के और भी बड़े लवाजमात तो हैं, लेकिन आपको पता है कि जैसे अभी जिया ने कहा कि सेलिब्रेशन बर्थडे सेलिब्रेशन बर्थडे की, तो वो बगैर केक के नामुमकिन है. तो जनाब केक ये आया है जी, केक वाजी अहमद भाई लेके आए हैं. ब्यूटीफुल, वाओ, ओह माय गॉड, दिस इज लवली. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Please happy anniversary.